अगर कोई बिजनेसमैन बार बार अपना नुकसान करता है और बार बार जानबूझ के नुकसान करता है तो आप ऐसे बिजनेसमैन को क्या कहेंगे? आप कहेंगे इडियट है, बेवकूफ है, गधा है। एम आई राइट? दोस्तों हम अपने बिजनेस के सीईओ हैं। दोस्तों हम भी अपना एक बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस है लाइफ। ओके, लाइफ का बिजनेस है और ये कहा जाता है कि आप ही आपके जीवन के सीईओ हैं, आपकी जिंदगी के सीईओ हैं। अगर आप सीईओ हैं मतलब आप ही ओनर हैं, आप ही के डिसीजन से आपका बिजनेस यानी आपका जीवन ऊपर जाएगा या आपका जीवन नीचे जाएगा। दोस्तों क्या आप कहीं बार बार ऐसे सीईओ तो नहीं बन रहे जो अपने जीवन का बार बार नुकसान कर रहे हैं, अपने ही बिजनेस का बार बार लॉस कर रहे हैं? दोस्तों अगर आप ऐसे सीईओ हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि 7 ऐसे सिंपल नुस्खे मैं बताऊंगा जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल सीईओ बन सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। सबसे पहला नुकसान आदमी करता है चिंता 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 करके। अब देखिए, अगर चिंता करने से पहला प्रॉब्लम तो टाइम वेस्ट हो रहा है, चिंता करने से दूसरा प्रॉब्लम आप एक ही चीज के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचे जा रहे हो, और तीसरा चीज अगर चिंता करके कोई चीज सॉल्व नहीं हो सकती तो चिंता करने का क्या फायदा, और अगर कोई चीज सॉल्व हो सकती है एक्शन लेके एफर्ट लेके तो चिंता करने का क्या फायदा। तो चिंता किसी भी तरह से लॉजिक में नहीं बैठती, लेकिन 95% से ज्यादा लोग हर रोज चिंता करते हैं। बेटा एग्जाम में फेल हो गया, चिंता अब जिंदगी में क्या होगा। बेटे ने कम पढ़ाई की, चिंता अब क्या होगा। कम कमाई आई, चिंता। कहीं पे ज्यादा खर्चा हो गया, चिंता। कहीं ज्यादा खर्चा करने के लिए कुछ करना पड़ा, चिंता। हर चीज में चिंता, नौकरी की चिंता, व्यापार की चिंता, ग्रोथ की चिंता, बच्चे की पढ़ाई की चिंता, चिंता चिंता चिंता। दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पे सुनाने जाऊँगा। एक इंसान था, बहुत ज़्यादा चिंता करता था, हर चीज़ की चिंता करता था। एक दिन गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मुझे चिंता बहुत होती है, मुझे इससे छुटकारा पाना है। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, ये पानी का गिलास हाथ में सीधा पकड़ो। उसने पानी का गिलास हाथ में सीधा पकड़ा, बोला गुरुदेव कितनी देर पकड़ूं? थोड़ी देर और पकड़ो। कुछ ज़्यादा वजन लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। आर यू कंफर्टेबल? यस। 10 मिनट पकड़ा, और पकड़ो। 15 मिनट पकड़ा, हाथ दर्द करने लगा, कांपने लगा। गुरुदेव अब तो छोड़ दूं? नहीं, पकड़ के रखो। और अरे भाई तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? गुरुदेव ये हाथ इसलिए कांप रहा है क्योंकि मैंने काफी देर से इसे होल्ड करके रखा है। हाँ मतलब ग्लास का वजन तो नहीं बढ़ा, राइट, लेकिन फिर भी हाथ कांप रहा है। क्यों कांप रहा है? काफी देर तक उसे पकड़ा रखा। दोस्तों ऐसे ही आपके साथ होता है, जब एक चिंतित करने वाले विचार को आप काफी देर तक पकड़े हुए रहते हैं तो आपके कैरेक्टर में, आपके माइंडसेट में, आपके एटीट्यूड में, आपकी डेस्टिनी में हर जगह एक बड़ा डेंट आता है। तो सबसे पहला काम, आपको अगर ज्यादा आगे बढ़ना है और अपने जीवन के आप सीईओ हैं तो चिंता आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है, इसे पहले छोड़ें। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के सीईओ हैं और सीईओ का काम होता है कंपनी के बारे में दुनिया को ट्रस्ट आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा ऊपर की तरफ जाए तो एक काम कभी ना करें, शब्द दे के उससे मुकरना। हमेशा एक शब्द दे दीजिए, कमिटमेंट कर दिया किसी को तो उसे फॉलो कीजिए। किसी को आपने बोल दिया मैं तुम्हें इस डेट को पैसा दूंगा, इस डेट को पैसा दे दीजिए। किसी ने आपको बोल दिया कि मैं इस डेट को आपको पैसा दूंगा लेकिन उसने नहीं दिया तो उससे झगड़ा नहीं करें, उसे फिर से प्यार से मांगे, उसे समझाएं, उससे बातचीत करें, सर मुझे पैसे की जरूरत है, बहुत झगड़ा ना करें, ना ही उसकी निंदा करें, ना ही उसको भला बुरा कहें। कई बार लोग सोचते हैं मैं उसके बारे में 10 लोगों को भला बुरा कहूंगा तो शायद मेरे पास पैसा आएगा। सीईओ हैं आप, हो सकता है आज वो आदमी जिसने आपसे पैसा लिया है मजबूरी में हो, मुसीबत में हो, प्रॉब्लम में हो, लेकिन फ्यूचर में वो भी VVIP बन सकता है और वो आपके बिजनेस को फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसीलिए दोस्तों किसी से रिश्ता ना बिगाड़ें और अपने वर्ड ऑफ माउथ पे कायम रहें। तीसरी चीज, अगर आप अपने जीवन के सीईओ हैं, अपने जीवन को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं तो अपना समय सोच समझ के खर्चें। आपका समय सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी और एक्टिविटीज में ही जाना चाहिए, जैसे कि किताबें पढ़ना, जैसे कि अच्छे लोगों की संगत में जाना। किताबें भी पढ़ना है तो कौन सी पढ़ना है? वो ही जो आपको इमीडिएट ग्रोथ की तरफ ले जा सके। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मेरे बिजनेस में 4 काम होते हैं, सेल्स होता है, ट्रेनिंग होता है,
टीम मैनेजमेंट होता है और नेटवर्किंग होता है, लोगों से मिलने का काम। मुझे किताबें पढ़नी है, इन चारों से ज़्यादा पढ़नी है रिलेटेड। अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर तो स्पिरिचुअलिटी की किताब पढ़ूंगा, सेल्स के ऊपर तो सेल्स की किताब पढ़ूंगा, मोटिवेशन के ऊपर तो मोटिवेशन सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ूंगा। सो आपको वो किताबें पढ़नी है जो कि आपको आपके लक्ष्य के नज़दीक ले जा सके, है ना, उन लोगों से मिलना है जो कि लक्ष्य के नज़दीक ले जा सके। ऐसा समय बिल्कुल खर्च नहीं करना है कि टीवी देख लिया, अननेसेसरी रील्स देख ली, अननेसेसरी आप कहीं चले गए, अननेसेसरी आपने बिना सोचे समझे कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अपने समय को सोच समझ के खर्चें। चौथा चीज, अगर आप अपने जीवन के सबसे पावरफुल सीईओ बनना चाहते हैं तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें। राइट लोगों से मिलें, अपने से ऊंचे आदमी से मिलें, अपने से ज्यादा नॉलेजेबल आदमी के साथ समय बिताएं। उनके साथ समय बिताने के लिए खर्चा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कहीं जाना पड़े, कहीं ट्रैवल करना पड़े, उनसे सीखना पड़े, उनके साथ मिलना पड़े, जो करना पड़े वो करिए, लेकिन अपने से बहुत बड़े आदमियों के साथ समय बिताने की आदत डाल दें। बड़े आदमी डजंट मीन सिर्फ पैसे से बड़े, बड़े आदमी मीन्स जिनका एटीट्यूड अच्छा हो, जिनकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी हो, जो लोगों से रिश्ता बनाना जानते हो, जो हम्बल भी हो, जो अच्छा पैसा भी कमाते हो, बिजनेसेस को भी मैनेज करते हो, टीम को भी मैनेज करते हो, समाज में भी जिनकी इज्जत हो, ऐसे लोगों से मिलें। हर एक फील्ड के लेजेंड से मिलें, हर एक फील्ड के लेजेंड को समझें, हर एक फील्ड के लेजेंड के बारे में सोचें। जब आप ये सब चीज करेंगे तो आप एक कामयाब सीईओ बन जाएंगे अपने जीवन के। और आखिरी और सबसे पावरफुल विचारों में से एक दोस्तों, अगर आप एक बहुत बड़े सीईओ बनना चाहते हैं, आलस त्यागें, मेडिटेट करें और अच्छा चिंतन करें। रोज आपने जो किया उसके ऊपर चिंतन करें, मेडिटेशन करें, माइंड को शांत रखें, आलस को त्याग दें, जो काम कल करना है वो आज करना है, रिस्क लें। ये सभी आपके माइंड सेट से रिलेटेड है। माइंड सेट अच्छा होगा तो ही मेडिटेशन होगा, माइंड सेट अच्छा होगा तो ही रिस्क ले पाएंगे, माइंड सेट अच्छा होगा तो ही अच्छे पॉजिटिव रह पाएंगे। ये सब चीजें अगर आपने शुरू किया तो दोस्तों आप एक कामयाब सीईओ बन पाएंगे, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप तनाव नहीं लेंगे और हर दिन अपने इस बिजनेस को जो कि आपकी जिंदगी का बिजनेस है उसे आप प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। So make sure that you become the most profitable CEO of your company, then only world will give you the rewards which you expect. Am I right or wrong? आपको अगर दुनिया से वो रिवॉर्ड चाहिए कि दुनिया आपकी फोटो खींचे, दुनिया आपके साथ ऑटोग्राफ ले, दुनिया आपको भारत रत्न दे या एक राष्ट्रपति अवार्ड दे, आपके ऊपर मूवी बने, तो आपको कामयाब सीईओ बनना ही होगा। सो कामयाब सीईओ बने और जिंदगी में बहुत सारे रिजल्ट आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एनालॉजी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हाउ डिड यू फाइंड इट, एंड ऐसे ही और भी वीडियोज आपको चाहिए तो हमें बताएं कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।